खबर है वाराणसी से। वाराणसी के सारनाथ स्थित सारंगनाथ शिव मंदिर सामूहिक रुद्राभिषेक का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें 300 परिवार के लोग शामिल हुए। सामूहिक रुद्राभिषेक कराने के लिए लोगों को मुफ्त पूजा सामग्री, 2 बाल्टी दूध, थाली और अन्य सामान निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। सारंगनाथ के पार्थिव शिवलिंग का सामूहिक रुद्राभिषेक में 501 परिवार को शामिल होना था, लेकिन जगह के अभाव में 300 परिवार शामिल हो पाए। महारुद्राभिषेक के मुख्य अतिथि महापौर मृदुला जायसवाल रही। पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक दूध से किया गया। महारुद्राभिषेक के लिए सारंग मंदिर, महारुद्राभिषेक के लिए सारंग मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और तालाब तट को गंगा यमुना कृष्णा नर्मदा क्षेत्र में बांटा गया। समूचा प्रांगण वैदिक मंत्रोच्चार, डमरू और शंखनाद से गुंजायमान रहा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे से सारनाथ क्षेत्र शिवमय हो गया। महारुद्राभिषेक का शुभारंभ गणेश पूजन शंखनाद से हुआ। वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट। डॉक्टर संजय सिंह गौतम, आज इस कार्यक्रम में हम भी कार्यकर्ता के रूप में एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं और व्यवस्था में लगे हुए हैं। किस तरह का रुद्राभिषेक हो रहा है, क्या है, कहां कहां से लोग आए हुए हैं? देखें, ये एक सामूहिक रुद्राभिषेक और वही पार्थिव शिवलिंग का है, और इसमें आने के लिए तो बिहार से भी लोग आए हुए हैं, बंगाल से भी लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र से चलकर के भी लोग आए हुए हैं और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों से भी आए हुए हैं। मुख्य जी, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सामूहिक रूप से जब हम कोई करते हैं, कोई भी छोटा सा पूजा अनुष्ठान करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं, तो वो एक यज्ञ हो जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो इस नाते ये एक सामूहिक रुद्राभिषेक लगभग 300 परिवारों का एक साथ हो रहा है। कितने दिनों से चला आ रहा है, क्या है? जी, इसके पहले भी हुआ है या? हाँ, ये कई वर्षों से चला आ रहा है, इस बार बृहद रूप लिया है। इसके पहले 50 लोग, 60 लोग, लगभग 7-8 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है।